आज के इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम प्रोसेसर या सीपीयू भी कहते हैं, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये एक स्मॉल सिलिकॉन चिप होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट पैकेजिंग के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये एक आईसी है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटेशनल टास्क कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। माइक्रो प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और ये किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट का हार्ट होता है। बिना माइक्रो प्रोसेसर हम किसी भी कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास सीपीयू का जितना भी फंक्शंस होता है वो अवेलेबल होता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम देखें और समझें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले इनपुट, कोई भी इनपुट, इनपुट का मतलब यहाँ पे अगर हम इनपुट के बारे में समझें तो कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट है। कीबोर्ड या कीपैड, इसके थ्रू कोई भी इनपुट माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू को दिया जाता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर इस आईसी, इस अगर हम एक प्रोसेसर को आईसी बोलें तो ये इसके अंदर एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन या इनपुट इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आइदर रजिस्टर्स या मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। तो बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवेन, ये ALU रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के हेल्प से इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर फिर एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो रिजल्ट है वो यहाँ इस आउटपुट में डिस्प्ले होता है। तो यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन पाते हैं। इंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ से हम आउटपुट पाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम और रोम टाइप। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ दो टाइप की मेमोरी है और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये हम देख सकते हैं कि जो एरो है यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पे भी एरो यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ से हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ आउटपुट या रिजल्ट पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एरो है यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब यहाँ पे हम मेमोरी से डेटा या इन्फॉर्मेशन रीड भी करते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के पास सीपीयू के सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये फंक्शंस क्या क्या हैं? ये फंक्शंस हैं फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो फेच का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि अवेलेबल है मेमोरी में या फिर किसी क्रॉसपॉन्डिंग लोकेशन से या फिर रजिस्टर में अवेलेबल है, तो वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। फेच करने के समय यहाँ पे
प्रोग्राम काउंटर का पीसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोग्राम काउंटर मतलब ये लाइन बाय लाइन जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसका इंफॉर्मेशन रखता है, और कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है उसके बारे में प्रोग्राम काउंटर बताता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होता है, फेच होने के बाद वो डिकोड होता है। डिकोड का मतलब जो भी असेंबली कोड है वो कोड ट्रांसलेट होता है बाइनरी कोड में। चूँकि माइक्रोप्रोसेसर मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी फॉर्म को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है, इसीलिए इसको डिकोड करना ज़रूरी है। तो असेंबली कोड बाइनरी कोड में डिकोड होने के बाद ये फिर एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट में सीपीयू कोई भी कैलकुलेशन एलयू के साथ करता है या कोई भी डेटा मूव कर सकता है। मूव करता है ये मेमोरी टू मेमोरी या फिर मेमोरी टू रजिस्टर या फिर रजिस्टर टू मेमोरी या फिर ये कोई भी एड्रेस लोकेशन पे जंप कर सकता है। तो ये एग्जीक्यूशन के केस में ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद सीपीयू एक फीडबैक देगा अकॉर्डिंग टू लास्ट इंस्ट्रक्शन। एक लास्ट इंस्ट्रक्शन HLT या RST3 या कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है, जिसके थ्रू एक फीडबैक प्रोवाइड करता है CPU जो आउटपुट डेटा के फॉर्म में मेमोरी लोकेशन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ALU का मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक का मतलब हो गया यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड लॉजिकल ऑपरेशन में ये लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट एक्सेट्रा, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोप्रोसेसर CPU यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी लोकेशन में ये डेटा को या एड्रेस को या रजिस्टर डेटा या एड्रेस को टेम्पोररी स्टोर करके रखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, एज पर रिक्वायरमेंट उन इंस्ट्रक्शन का थ्रू दैट इंस्ट्रक्शन डेटा या एड्रेस का यूज़ होता है। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर कंट्रोल करता है कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा। मतलब ये प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली ये एज अ डेटा ट्रैफिक यहाँ पे काम करता है। कंट्रोल यूनिट ये बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा। क्लॉक स्पीड क्या होता है? क्लॉक रेट और प्रोसेसर स्पीड होता है। मतलब किस स्पीड से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये क्लॉक स्पीड के थ्रू पता चलता है। तो क्लॉक स्पीड को नॉर्मली मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टिपिकली अगर हम किसी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड के बारे में जानना चाहें तो वो गीगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं माइक्रोप्रोसेसर के? तो इंटेल 8085, इंटेल 8086, इंटेल 8386 ये माइक्रोप्रोसेसर के एग्जांपल्स हैं। और अभी अगर लेटेस्ट माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो जैसे कि i3, i5, i7, इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7,
ये सब लेटेस्ट प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं।